नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुक समरी। इसमें हर एक महीने हम अलग अलग किताबों की बुक समरी आप तक लेकर आएंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे उस बुक के बारे में। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसी किताब का हम किसी 5 या ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, मतलब गिव अवे करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्गन हाउजल के द्वारा लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का, जो कि एक बहुत ही पावरफुल किताब है, जिससे आप पैसे के बारे में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स जान पाएंगे जो आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के हर एक हिस्से को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि इस बुक के बारे में भी आपको पता चले और आप इस बुक को मेरे द्वारा कैसे पा सकते हैं, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेगी। इस किताब से मिलने वाली सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि हर एक इंसान को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहिए, उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि आप काम केवल पैसे के लिए ना करें, बल्कि आप काम करें ताकि आप खुश रह सके। यहां पर सबसे अच्छी सीखने वाली बात यह है कि आपको अपनी वेल्थ का प्रयोग किसी चीज को खरीदने से ज्यादा अपने टाइम को खरीदने के लिए करना चाहिए, जिससे आप अपना टाइम बचा सके और ज्यादा टाइम कहीं अच्छी जगह पर लगाकर वहां से और ज्यादा वेल्थ जनरेट कर सके। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि छोटी छोटी सी चीजों में पैसा बचाने में वो अपना बहुत सारा महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर देते हैं। यदि वो उसी समय को कहीं बेहतर जगह लगाते तो शायद उससे ज्यादा पैसा कमा लेते। एक बहुत फेमस जोक है कि एक महिला अपने पति के साथ में एक मार्केट में गई। उसने एक साड़ी को खरीदने के लिए, जो कि सिर्फ 300 रुपए की थी, उसके लिए 2 से 3 घंटा खराब कर दिया। और पति मन ही मन ये सोच रहा था कि यदि ये 3 घंटे मैंने अपने धंधे में दिए होते तो इससे ज्यादा पैसे मैं कमा लेता। तो यदि आपने अपने पैसे से अपने सही समय को बचाना सीख लिया और उस समय को सही जगह पर लगाना सीख लिया तो आप ज्यादा वेल्दी हो सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आप इस किताब से सीखेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन बीइंग वेल्दी एंड बीइंग रिच। आप किसी भी इंसान को देखकर ये तो बता सकते हैं कि वो अमीर है या फिर नहीं है, लेकिन आप किसी भी इंसान को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि वो वेल्दी है या फिर नहीं है। अमीर लोगों को आप कैसे पहचानते हैं? कि अमीर लोगों के पास महंगी कारें होती हैं, महंगे फोन्स होते हैं, महंगे घर होते हैं, और जितनी भी चीजें महंगी दिखती है या दिखावे के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल की जाती है वो अमीर लोगों के पास होती है। और ऐसे अमीर लोग चाहे कर्ज लेकर उस चीज को खरीदे लेकिन खरीदते हैं क्योंकि वो उसे दिखाना चाहते हैं। जबकि दुनिया के जितने भी सबसे ज्यादा वेल्दी लोग हैं वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा दिखावटी चीजों को खरीदने में बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। उसकी वजह, वो उस इनकम को इन्वेस्ट करने में लगाते हैं। वो लोग उस पैसे से एसेट्स बनाते हैं, जैसे उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां से उन्हें ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। याद रखना कि वेल्दी लोग अपने पैसे को खुद की ग्रोथ पर खर्च करते हैं, जबकि रिच लोग हमेशा अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर खर्च करते हैं। तो यहां पर आप रिच बनना चाहेंगे या फिर वेल्दी बनना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस किताब से मिलने वाला तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कंपाउंडिंग और वेल्थ प्रोटेक्शन का। इस किताब में आपको यह सिखाया गया है कि किस प्रकार से आप कंपाउंडिंग की ताकत का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यदि आपकी एज बहुत कम है तो आप कंपाउंडिंग की ताकत को पहचानिए, अपने छोटे छोटे से पैसे को इन्वेस्ट करिए जो आपके लिए बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगी बाद में। साथ ही साथ यहां पर यह भी सिखाया गया है कि आपको अपनी वेल्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चोर आपके पास आएंगे जो आपकी वेल्थ को चुराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें से खर्चे भी एक बहुत बड़े चोर हैं जो आपकी पूरी की पूरी वेल्थ को खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको बचाए रखना है। यहां पर बताया गया है कि वेल्थ को कमाना बहुत आसान है लेकिन उसको बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मार्केट में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं उसे सहन करने की शक्ति आपके अंदर जरूर होना चाहिए, और यहां पर आपकी मदद करेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके जरिए आप अपनी वेल्थ को हमेशा बढ़ा सकते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण लेसन जो इस किताब से हम सीखते हैं वो है कि बी प्रिपेयर फॉर अननोन लेसन। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस आएंगे, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये किताब आपको सिखाती है कि आपके जीवन में जितने भी अननोन इवेंट्स आने वाले हैं उन सभी इवेंट्स के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है कि हर चीज आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो ये जरूरी नहीं है। कभी कोई चीज आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगी लेकिन कोई चीज आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो जो नहीं होगी उसके लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना होगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझिए कि आप अच्छे भले मूड में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, पीछे से कोई बहुत बड़ा ट्रक आया जिसमें एक पिया हुआ ड्राइवर बैठा हुआ था और उसने आपकी कार को टक्कर मार दी। क्या आपने इस टक्कर के बारे में पहले से प्लानिंग की थी? बिल्कुल भी नहीं की थी। आप तो अच्छे से घूमने के लिए जा रहे थे लेकिन अब इसके बाद जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। और यदि आपके पास अच्छी वेल्थ नहीं है तो उस समय आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं।
इसलिए आपको ऐसी चीजों की भी प्लानिंग करके रखना चाहिए जो भविष्य में हो सकती है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, सेव एज मच एज यू कैन। जी हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने पैसे को सेव कीजिए। हम सभी के जीवन की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपनी कमाई हुई इनकम में से एक पार्ट को सेव करना और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना। लेकिन कई सारे लोगों को इस बात को समझने में बहुत समय लग जाता है। जब उनके पास ऐसी मुसीबतें आती है, जब उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन उस समय सेविंग ना होने के कारण, इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, वो अपने जीवन के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को निकालकर सामने ले आते हैं, जितना पैसा रखा है उसे सोचकर, और वो सोचते हैं कि ये पैसा हमेशा आता रहेगा इसलिए मैं लोन ले लेता हूं, और इस प्रकार से वो अपने जीवन को बिताते रहते हैं। लेकिन उनके जीवन में दिक्कत तब जाती है जब रेगुलर इनकम नहीं हो पाती है और उनके लोन उनके लिए बर्डन बन जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेव कर सकते हैं सेव कीजिए और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। अब यहां पर सिर्फ सेव करके नहीं रखना है, उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट में भी आप एक कंपैरिजन देख लीजिए कि मान लीजिए आप अपना पैसा एफडी में रखते हैं और आप अपना पैसा एसआईपी में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में। तो यहां पर कंपैरिजन देख लीजिए कि यदि आपने एफडी में लगाया और आपको जो रिटर्न है वो मिला लगभग 5% के करीब, तो सोचिए कि यदि महंगाई दर ही उस साल 7% रही तो आपको लग रहा है कि आपका 5% का फायदा हुआ है, लेकिन आपका फायदा नहीं बल्कि आप -2 में हैं, मतलब आपको 2% का नुकसान ही हुआ है क्योंकि महंगाई दर जो है वो 2% से ऊपर निकल गई है। लेकिन उसी जगह पर यदि आपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी बनवाई होती और आपको यदि 15% का भी कम से कम रिटर्न मिला होता और 7% महंगाई बढ़ी होती, तो भी यदि हम 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो भी आपको 8% का फायदा ही हुआ। इसे कहते हैं सही प्रोसेस से इन्वेस्ट करना। और छठवां सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भी कंपेयर ना करना। कई बार होता यह है कि आप अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने लगते हैं, अब उसी के जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि आपकी इनकम का मॉड्यूल बिल्कुल अलग है, उसकी इनकम का मॉड्यूल बिल्कुल अलग है, लेकिन आप जो है कंपैरिजन करने लगते हैं और उसी चक्कर में सारी चीजें खराब हो जाती है। आपको हमेशा ही अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच में अंतर करना आना चाहिए। यदि आप अपनी जरूरतों को दूसरों के हिसाब से बना लेंगे, अपनी इच्छाओं को दूसरों के हिसाब से बना लेंगे, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको यदि सुखी रहना है तो आपको अपनी जरूरतें पता होना चाहिए, आपको अपनी इच्छाएं पता होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यदि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आज आप 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और आपकी इच्छा है कि मैं मुकेश अंबानी से कंपेयर कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जो कि हमारे समाज का एक बहुत ही बुरा सच है कि लोगों की इनकम तो बहुत कम होती है लेकिन वो दूसरों को देख देख कर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं और उस चक्कर में अपना कमाया गया पैसा भी खो देते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो ये थी बुक समरी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। अब आप ये जानिए कि इस किताब को मेरे द्वारा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं करने जा रहा हूं 5 किताबों का गिव अवे। अब इस बुक को पाने के लिए आपको करना क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। दूसरा, इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कमेंट बॉक्स में जाइए और आज के इस वीडियो से आपने सबसे बड़ी सीख क्या सीखी है उसे लिखिए और उसके बाद अपनी जीमेल आईडी लिख दीजिए। मैं खुद आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा और जिन 5 लोगों के कमेंट सबसे अच्छे होंगे, लर्निंग सबसे अच्छी होगी, उन 5 लोगों को मैं पर्सनली खुद ये 5 किताबें दूंगा। तो अब देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, इस प्रोसेस को पूरा कीजिए और जल्दी से अपनी किताबों को पा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।